उत्तराखंड के हल्द्वानी में गुरुवार रात हुई हिंसा के बाद उत्तर प्रदेश के जिलों में भी सतर्कता बढ़ा दी गई है। ऐसे में हरदोई में भी शुक्रवार को जुमे की नमाज को देखते हुए जिले में मस्जिदों के बाहर पुलिस तैनात कर दी गई है। एसपी समेत अन्य अधिकारी भी फील्ड में हैं। एसपी ने बताया कि पुलिस धर्मगुरुओं से बातचीत भी कर रही है। पैदल मार्च किया गया है, क्या इतनी फोर्स क्यों लगाई है? क्या आज जुमे की नमाज है और उत्तराखंड में हल्द्वानी में कोई घटना हुई है जिसको लेकर प्रदेश में रेड अलर्ट जारी किया गया है और सभी मस्जिदों पर ड्यूटियां लगाई गई हैं। उनके इमाम साहब से, मौलाना जी से और मुतबल्ली मस्जिदों के बात की गई है कि किसी प्रकार की कोई बात, कमेंट कोई दूसरा व्यक्ति न करे। जो भी नमाज का कार्रवाई है वो इमाम साहब द्वारा ही की जाएगी और यहाँ पर अमन चैन रखी जाए, शांति व्यवस्था रखी जाए और इसके लिए हमारे पूरे ज़िले में पुलिस अलर्ट है और हम लोग लगातार भ्रमणशील हैं, कहीं कोई किसी प्रकार की बात नहीं। दरअसल आपको बता दें कि उत्तराखंड के हल्द्वानी में सरकारी भूमि पर बने अवैध मदरसे व नमाज स्थल ध्वस्त किए जाने के विरोध में हुए उपद्रव के बाद उत्तर प्रदेश में पूरी सतर्कता बरते जाने का निर्देश दिए गए थे, जिसके बाद हरदोई में भी अतिरिक्त मुस्तैदी बरती जा रही है। वहीं हल्द्वानी को देखकर सोशल मीडिया सेल भी अलर्ट की गई है। एसपी केशव चंद्र गोस्वामी ने बताया कि जिले में कड़े सुरक्षा प्रबंध हैं, साथ ही गड़बड़ी करने वाले के विरुद्ध विधिक कार्रवाई सुनिश्चित कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं। एसपी ने बताया कि इलाके के धर्मगुरुओं से संवाद और समन्वय बनाया जा रहा है, साथ ही जरूरत के मुताबिक ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है। Thank you.